हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के सामने पोस्तो आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली। पोस्तो दाना यानी कि खसखस, और इसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं। एंड जनरली ये कॉमन है इंडियन हाउस होल्ड में। लोग इसकी करी बनाते हैं आलू के साथ, इसकी टिक्कियां भी बनती हैं। बट मेनी ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली नो द हेल्थ बेनिफिट ऑफ पॉपी सीड्स। तो मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं क्लिपिंग्स में। आर नोन टू बी अ स्ट्रेस बस्टर। कभी किसी दिन आपका दिन बहुत ही एग्जॉस्टिंग गया हो या बहुत टायर्ड है, यू कैन ट्राई दिस पॉपी सीड्स करी विथ पोटेटो एंड यू कैन फील द डिफरेंस बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स यू इन यू नो टू काम डाउन योर सेल्फ एंड इंड्यूस स्लीप। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन में भी इसके बारे में बताया गया है, जहाँ पर वो पॉपी सीड्स के पेस्ट को हनी या मिल्क में मिक्स कर छोटे बच्चे को पिलाते थे अगर वो ज़्यादा रो रहे हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं एंड लेट्स लर्न अ न्यू रेसिपी टूडे एंड इन्जॉय इट्स हेल्थ बेनिफिट। सो करीबन 50 ग्राम खसखस होगा जो मैंने लिया है, और इसे आप पानी में सोक कर दें 20 मिनट्स के लिए। मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम खसखस को ग्राइंड करेंगे मसालों के साथ। तो इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स। अगर आपके पास धनिया के सीड्स नहीं, साबुत धनिया नहीं है, तो आप पाउडर्ड धनिया भी यूज़ कर सकते हैं 2 टीस्पून। एंड देन इसमें मैं डालूंगी जीरा 1 टी। स्वाद अनुसार आप सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए एंड रफली चॉप्ड एक अनियन। एंड देन ऐड पिंच ऑफ हल्दी एंड रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालिए। एड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लीजिए इंटू स्मूथ पेस्ट। इसके बाद कढ़ाई में आप 4 टेबल स्पून ऑयल डालिए। ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट नीड ऑयल टू फ्राई पोटेटोज। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पंचफोरन। पंचफोरन की रेसिपी क्या होती है आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। एंड जब पंचफोरन अच्छी तरह से स्प्लटर हो गया है, तो मैंने उसमें 4 मीडियम साइज्ड पोटैटोज डाल दिए। मैंने बहुत ही स्मॉल डाइस करके डाला है, क्योंकि इस रेसिपी में मीडियम साइज़ या बड़े साइज़ के पोटैटोज कट के हुए अच्छे नहीं लगते हैं। सो बेटर यू डाइस इट लिटिल स्मॉल। इसके बाद आपको आलू को फ्राई करना है। फ्राई करने में करीबन मुझे ये 7 से 10 मिनट लगे। तो आप जस्ट मेक श्योर कि आलू फ्राई हो जाए अच्छी तरह से, सॉफ्ट हो जाए, बिकॉज जब आप खसखस का पेस्ट ऐड करेंगे तब आप उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट तक करना होगा। सो इट्स बेटर कि आप आलू को पहले ही फ्राई कर लें एंड मेक श्योर कि आप उसे कवर कर करके फ्राई करें एंड ओकेजनली आप उसे स्टर करते रहें सो डैट बॉटम पे स्टिक। तो आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं, और मैंने इसे करछे से ब्रेक करके भी देखा। अगर ये ब्रेक हो रहे हैं, सॉफ्ट है, तो इट्स द राइट टाइम टू ऐड खसखस का जो पेस्ट हमने बनाया है। एंड आप जैसे ही खसखस का पेस्ट इसमें ऐड करते हैं, इसके बाद इसे आप ज़्यादा देर तक आपको फ्राई नहीं करना है। मैक्सिमम आप इसे सिर्फ 5 मिनट फ्राई करेंगे। इस करी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसी चाहिए। आपको थिक चाहिए, अगर आप फुलके या चपाती के साथ खा रहे हैं या परौंठे के साथ खा रहे हैं, तो थोड़ा सा थिक ग्रेवी अच्छा लगता है। और अगर आप राइस के साथ खाने वाले हैं तो आप इसे पतला कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको पानी।
5 मिनट्स हो चुके हैं, टाइम टू स्विच ऑफ द फ्लेम एंड जस्ट लीव द करी फॉर 5 मिनट्स। Enjoy a delicious पोस्तो आलू की सब्जी with hot rice and चपाती।